नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज, मैं हूं विनय कुमार। अक्सर आप लोगों ने इंदिरा जी के बारे में सुना होगा। कभी इंदिरा जी भारत का प्रधानमंत्री होती थी, कभी इंदिरा जी आयरन लेडी के नाम से पूरे विश्व में जानी जाती थी। आप लोग अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के बारे में जरूर जानते होंगे। आप लोग भारत के प्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी के बारे में भी जानते होंगे। ऐसे कई ऐसे महिला हैं जिन्होंने अपने दम पर गांव से लेकर देश का नाम रोशन किया है। वो कौन करती है जिनके अंदर एक जज्बा होता है, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत होती है। फिलहाल हम आप लोगों के बीच टॉपरों का खबर लेकर आ रहे हैं। अभी हम जिस जगह मौजूद हैं उस जगह का नाम है घनश्यामपुर प्रखंड के अंतर्गत ब्रह्मपुरा मासवासी एक पंचायत है, जहां से एक लड़की ने 94% से ज्यादा नंबर लाकर पंचायत से लेकर जिला तक का नाम रोशन किया। और वही लड़की कभी इंदिरा गांधी बनती है तो कभी कल्पना चावला बनती है तो कभी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनती है। हम उस लड़की से आपको रूबरू कराते हैं जो लड़की इस तरह का कारनामा कर अपने घर से, अपने पंचायत से, अपने प्रखंड का नाम, अपने जिला का नाम रोशन की है। उनसे हम पूछेंगे कि ये इतना नंबर और इतना मार्क्स बिहार बोर्ड में लाने के बाद आप करेंगी क्या, क्या बनना चाहती हैं? क्या नाम है आपका? 94% नंबर बिहार बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर कहा जाता है। किसने दिया ये नंबर? टीचर एम बी मसाद आलम जो मौजूद है और मेरे अब्दू अमीन समसाद आलम, उन्होंने हमको कोचिंग दिया, पढ़ाया और मेरी अम्मी और बाकी शिक्षक स्कूल के ये सब नंबर के हकदार है। आप जिस दिन एग्जाम से आ रही थी उस दिन आपको लगा कि हमको इतना नंबर आ जाएगा? नहीं, हमको उम्मीद था 450+ मेरा मार्क्स आएगा, पर इतना ज्यादा नंबर। सबसे ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में है? साइंस और मैथ्स दोनों में 99 है मेरा, सबसे ज्यादा। आगे क्या करना चाहते? आगे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनकर क्या करना चाहते? समाज की सेवा करना चाहती। यह लड़की एक महत्वपूर्ण स्कोर से बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण कर डॉक्टर बनना चाहती है और डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना चाहती है। उनके पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आपका बेटी का जो सपना है वो सपना कहाँ तक साकार होगा, उसमें कहाँ तक आप अपना पिता का रोल निभाएंगे। हम इनसे पूछते हैं, सर स्वागत है आपका अखंड भारत में। आपकी लड़की इतना अच्छा नंबर लाई है, कैसा फील कर रहा है? जी बहुत अच्छा, बहुत खुशी लग रहा है, पूरा परिवार बहुत खुश है, हम भी बहुत दिल से खुश हैं, आगे भी बच्चे को मन से पढ़ाएंगे। 94% नंबर लाना थोड़ा बिहार बोर्ड में थोड़ा नहीं बहुत भारी डिफिकल्ट है, लेकिन 94% लाकर नंबर लाना इसमें किसका योगदान है? जी बेशक नंबर बहुत अच्छा लाई है, इसमें योगदान तो खासकर हम लोग का खुद है, क्योंकि हम भी किसमें पढ़ाते हैं, हमारे भाई जो हमसे बड़े बहुत ही हाई स्कूल के मैथ के शिक्षक हैं, वो भी मैथ पढ़ाते हैं, दोनों भाई मिलकर कोचिंग चलाते हैं और बाकी स्कूल है मेरा अलीनगर हाई स्कूल, सभी आदमी का इसमें रोल है, मेहनत है, तो आज बच्चे इतना सफल हुए। बच्ची का नाम क्या है? साधमा नाथ। और बच्ची जब डॉक्टर बनेंगे तो आप डॉक्टर कहकर बुलाएंगे या बेटी का नाम से ही बुलाएंगे? बेटी बेटी ही रहेगी, अच्छी बात है, अल्लाह करे कि डॉक्टर बन जाए ताकि मेरा काम पूरा हो। हम भी शुरू में तैयारी किए थे अपने पढ़ाई के समय में डॉक्टर बनूँ, लेकिन असफल रहे, ये अपना ख्वाब हम अपने बच्चे के मैं देखना चाहता हूँ, ये हम मेरे ख्वाब को पूरा करें। ये थे इनके पिता, पेशे से एक टीचर हैं
और बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है। बच्चे के शिक्षा में इनका और इनके भाई का अहम रोल रहा है। संकल्पित गार्जियन किस तरह अपने बच्चे के प्रति समर्पित होते हैं, ठीक इन्होंने इनके पिता और इनके चाचा ने कर दिखाया है। हम ऊपर वाले से करबद्ध प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, इस बच्ची का उज्ज्वल भविष्य अति सुंदर हो, देश का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे, विश्व में एक महत्वपूर्ण जगह बनाए। फिर हम रिपोर्टर के फिर हम टॉपर के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।